हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के पहले गाने यानी कि तेरे साथ हूं मैं के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, कुछ गाने होते हैं जिनमें एक शक्ति होती है, एक ऐसी ताकत होती है ना, जो अपने शब्दों से, अपने धुन से सीधा वार जो है ना वो यहाँ करती है। उसके बाद जो आंख से आंसू बहते हैं ना, वही उस गाने की जीत है। सम सॉन्ग्स आर मेंट टू बी एंजॉयड, सम सॉन्ग्स मेक यू स्माइल, सम सॉन्ग्स मेक यू लाफ, सम सॉन्ग्स मेक यू डांस, बट दिस ट्रैक, दिस इज अ सॉन्ग विच विल मेक यू क्राई। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। गाइस, जिनके पास बहनें होती है उनको पता होगा कि एक बहन की विदाई के समय कितनी बड़ी जुदाई होती है। स्पेशली वो बहनें जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको जो भाई रहता है वो संभालता है पूरी जिंदगी भर। एंड जब वो विदाई का वक्त आता है, वो दर्द तो रहता है लेकिन जो खुशी रहती है वो किस तरह से आंसू बहते हैं, गाइस, दिस इज परफेक्टली कैप्चर्ड बाय आनंद एल राय। ट्रस्ट मी, और राइटिंग पूरी की पूरी जो नरेटिव है यहाँ पे हिमांशु एंड यू नो कनिका ने जो इस तरह से सेटअप किया है, दिस इज अ विनर। दिस सॉन्ग एंड दिस कंप्लीट सीक्वेंस, जिस तरह से क्रोनोलॉजी में गाने में दिखाया गया है, चाहे वो हल्दी मेहंदी का इवेंट हो, जिस तरह से अक्षय कुमार अपना बचपन याद करता है, व्हाट लिरिक्स, क्या लिरिक्स, पहले चार पांच लाइन और जिस तरह का एक स्लो मेलेडियस म्यूजिक है इस गाने ने, मुझे हिमेश रेशमिया के आज से 15 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई फिल्म अपने की याद दिला दी। यू नो उसमें एक गाना था, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दैट सॉन्ग वॉज एब्सोल्युटली टियर जर्कर एंड दिस सॉन्ग इज अ क्रैकर। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। जिस तरह से स्टार्टिंग में आवाज आती है, मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा, उसके पीछे जो विजुअल चलते हैं, आई मीन अक्षय कुमार रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड विद द फोर सिस्टर्स, एंड जब वो विदाई का वक्त आता है राइट थ्रू आउट, जब वो अपने दुल्हन, यू नो अपनी जो बहन रहती है सादिया खतीब, मैसिव, यू लुक ब्रिलियंट, टेरिफिक, यू हैव अ एक्सेलेंट स्क्रीन प्रेजेंस, अ स्क्रीन प्रेजेंस मेंट फॉर अ यू नो लीडिंग लेडी इन बॉलीवुड। ट्रस्ट मी, रक्षाबंधन के बाद इनको हीरोइंस के ऑफर्स आएंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिस तरह से एक्टिंग करती है, वेरी फ्यू हीरोइंस आर लेफ्ट जो कि एक्ट एंड इमोट कर पा रहे आजकल इंडस्ट्री में। एंड जब अक्षय कुमार उनको दुल्हन के लिबास में देखता है, आके उनकी मदद करता है वहां पर, एंड जब एक सीक्वेंस है जब उनको दहेज दिखाता है, एंड जिसके बाद जो गाना बजता है, जो हुक लाइन है, तेरे साथ हूं मैं, तेरे साथ हूं मैं, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, इट्स अ टीयर जर्कर। एवरी ब्रदर, एवरी सिस्टर इज गोना वॉच दिस सॉन्ग एंड क्राई बकेट्स इन द सिनेमा हॉल। दिस फिल्म इज मेंट टू हिट रियर, एंड अगर ये यहाँ लग गई मेरा भाई, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ दो, मंडे से बॉक्स ऑफिस पे चिक्कार पैसा कमाएगी। गाइस, द फिल्म लुक्स एब्सोल्युटली सॉलिड ऑन कंटेंट। बट फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर इन फिल्म के गाने के सिंगर की, निहाल तौरो फ्रेश वॉइस है, अच्छे वोकल्स है, काफी अच्छी तरीके से इतना मैच्योर गाने को उस बंदे ने हैंडल किया अपनी आवाज के द्वारा। बहुत सारे यू नो सुर है जिस तरह से निहाल तौरो ने पकड़ा, बहुत बेहतरीन। ऑब्वियसली ही इज अंडर द यू नो सुपरविजन ऑफ हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया, दिस इज अ कमबैक मेरा भाई। इसको कमबैक नहीं बोलते हैं, इसको तोड़फोड़ बोलते हैं। म्यूजिक चार्ट्स पर से ये गाना हिलेगा नहीं, ऐसे चिपकेगा कि हफ्ते दर हफ्ते, चाहे वो एप्पल हो, सावन हो, गाना हो, जो भी म्यूजिक ट्रैक्स हो, ये गाना चिपकने वाला है। तेरे साथ हूं मैं ओरिजिनल गाना है, नया गाना है, सीधा यहाँ हिट करता है। मेरी एक ही शिकायत है इस पूरे के पूरे गाने से, आई थिंक भुज के टाइम पर भी मैंने शिकायत की थी, ये गाने के पूरे विजुअल्स नहीं दिखाना था वीडियो सॉन्ग में। ये जो फिल्म में हम देखते थे ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है फिल्म का, इसको फिल्म के लिए रखना था। हाँ, शुरुआती सीन जैसे दहेज वाला या फिर फेरे ले रहे वो दिखा देते थे बस, विदाई का सीन जिस तरह से अक्षय कुमार उसका हाथ पकड़ता है, इवन शी क्राइज, यू नो इसमें कॉमेडी भी हो जाती है क्योंकि भैया जो महिला है जिसका थोड़ा वजन ज्यादा है वो गिर जाती है इनके ऊपर और बेचारे सब दब जाते हैं वहां पर, वो सीक्वेंस थोड़ा फनी था। लेकिन जब उसकी बहन जा रही रहती है इन द कार एंड अक्षय कुमार यू नो ऑलमोस्ट रन्स बिहाइंड दैट कार एंड शी लुक्स बिहाइंड, मैसिव, दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा मेरा भाई। इफ यू गो करेक्ट, इफ यू नो योर क्राफ्ट, अगर आप अपना क्राफ्ट जानते हो
अपने स्क्रिप्ट को बड़े पर्दे पर लाना एंड फिल्मों को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस म्यूजिक प्रोग्रामर्स, गिटार, सारंगी, वायलिनिस्ट सबकी मैं दाद देना चाहता हूँ कि इतना प्यारा एंड बेहतरीन गाना बना है। अक्षय कुमार डिजर्व्स 1 मिनट फ्रॉम मी राइट नाउ। दिस मैन इज अ वैरायटी ऑफ इमोशंस। सीरियसली इमोशनल सीन्स में अक्षय कुमार यू नो आउट परफॉर्म्स हिमसेल्फ, चाहे उसके बहन की हल्दी मेहंदी सेरेमनी में यू नो हाथ में हल्दी हो, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो आंखों में आंसू पूरे इस गाने में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट तो है, चाहे उसको विदाई करने का मौका हो या फिर यू नो उसके सर पे से पैसे उतार कर फेंकने वाला हो या दहेज दिखाते दिखाते हाथ में आंसू आंख में आंसू आना हो एंड जब की विदाई होती है तब फूट फूट कर रोना हो, अक्षय कुमार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वाकई में ये फिल्म में अपनी बहन को सामने रखते हुए ये पूरे के पूरे सीन को एक्ट किया है। इमेजिनिंग हर हरसेल्फ हर सिस्टर एंड आई थिंक दिस फिल्म इज अ परफेक्ट डेडिकेशन टू ऑल द सिस्टर्स इन एवरीवेयर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड अगर ये परफेक्ट इमोशन हिट हुआ इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। इंडियंस आर वेरी इमोशनल एट हार्ट एंड एक अच्छी इमोशनल फिल्म, पारिवारिक फिल्म कभी फ्लॉप नहीं हो सकती बॉक्स ऑफिस पे, चाहे वो 60s हो, 70 हो, प्री कोरोना हो, पोस्ट कोरोना हो। इंडियंस का दिल होता है ना, वो प्री कोरोना भी सेम था, पोस्ट कोरोना भी सेम था, एंड ये गाना वही काम करके जाता है। हैट्स ऑफ हिमेश, मैसिव नंबर, जाके देखिए जी म्यूजिक कंपनी में। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।